नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके संग प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने राजनीति में उतरने और चुनाव लड़ने की जताई इच्छा, कहा लड़ाई लड़ने के लिए संसद में जाना होगा। बिहार में सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर लखनऊ में एक समारोह में होगा आगाज। जेपी नड्डा से मिलने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित तमाम बड़े नेता दिल्ली पहुंचे। इस बैठक में वसुंधरा राजे को नहीं बुलाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी चित्रा घोष का निधन, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। एक तस्वीर जारी करते हुए लिखा, प्रोफेसर चित्रा घोष ने सामाजिक जीवन और शिक्षा के क्षेत्र में शानदार काम किया। उत्तर भारत में घने कोहरे ने बढ़ा दी मुसीबतें। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी के चलते हालात बेहद मुश्किल। जम्मू कश्मीर में कई जिलों में बर्फबारी, तूफान की चेतावनी जारी। देश में कोरोना का टीकाकरण शुरू होने से पहले 8 जनवरी को सबसे बड़ी रिहर्सल। देश के सभी 736 जिलों में किया गया ड्राई रन। बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में थाना पुलिस की लापरवाही मानते हुए थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी को किया गया निलंबित। और वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मेवात से आए बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। फायरिंग में बदमाश इरशाद के पैर में लगी गोली। पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदायूं में महिला के साथ गैंगरेप और हत्या की घटना का मुख्य आरोपी सत्यनारायण को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। उन्नाव जिले के हसनगंज में एक युवक ने घर में सो रही महिला पर चाकू से हमला करके हत्या कर दी और फरार हो गया। एएसपी ने खुलासे के लिए स्वैट और पुलिस की 3 टीमें बनाई। मिर्जापुर में चोरों ने सेंध लगाकर नकदी और आभूषण सहित 20 लाख रुपए की चोरी की घटना को दिया अंजाम। चोरी की घटना पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर हुई है। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वायुसेना के पूर्व अधिकारी को सेना और रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों से धोखाधड़ी करने का आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने 18 लोगों से करीब 2,70,00,000 के रुपए की ठगी की। उदयपुर जिले में एक सिरफिरे आशिक ने एक शादीशुदा महिला को अगवा करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि महिला अपने ननिहाल आई हुई थी। युवक ने महिला के नाना को ईंट पत्थर से मारकर उनकी हत्या कर दी और फरार हो गया। लखनऊ में हुए सनसनीखेज अजीत सिंह हत्याकांड की जांच में पता चला कि शूटर्स ने अजीत सिंह को 25 गोलियां मारी थी, जिसमें से 21 गोली आर पार हो गई थी। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। जयपुर में आर्थिक तंगी से परेशान एक सब्जी विक्रेता ने बच्चे और पत्नी की हत्या करने के बाद खुद फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। और वहीं रेवाड़ी में बदमाशों ने व्यापारी की आंख में मिर्ची डालकर 3 लाख रुपए और स्कूटी लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। नोएडा में फर्जी पुलिस कर्मियों ने फिल्मी स्टाइल में महिला से सोने के कंगन लूट लिए। महिला ने पुलिस थाने में जाकर अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस फर्जी पुलिस कर्मियों की तलाश में जुटी। और वहीं मेरठ में तेज आवाज में डीजे बजाकर बदमाशों ने एक किशोरी से दुष्कर्म किया। पीड़ित परिजनों का पुलिस पर आरोप है कि आरोपी को पकड़ने के बजाय पीड़ित के भाई को हिरासत में ले लिया। परिजनों ने एसएसपी कार्यालय पर हंगामा किया, उसके बाद में पुलिस हरकत में आई। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। रायबरेली में एक युवती की उसके मामा के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई। मामा के परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दिए बगैर शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया। और वहीं हिसार में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर के मामले में 48 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पैसे के लेन देन के चलते हत्या की गई थी। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 82 हो गई है। सभी संक्रमितों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। रिचर्ड चड्ढा की अपकमिंग फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर का ट्रेलर हुआ रिलीज। मैडम चीफ मिनिस्टर के साथ एक ऐसा विवाद भी जुड़ गया है, जिस वजह से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि मैडम चीफ मिनिस्टर बसपा प्रमुख मायावती की जिंदगी से प्रेरित है। एक्ट्रेस कंगना रनौत की कानूनी लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अपने घर को लेकर बीएमसी से जंग लड़ रही कंगना रनौत को अब आज बांद्रा पुलिस स्टेशन में हाजिर होना पड़ा। रेमो डिसूजा को 1 महीने पहले दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद अब वो तेजी से रिकवर हो रहे हैं। रेमो ने एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें वह जिम में वर्कआउट करते नजर आए। एक्ट्रेस शिल्पा ने यूएई में कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी शेयर की। उन्होंने लिखा कि अब मैं सुरक्षित हूं। फिलहाल 5 मिनट 25 खबरों में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।